हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी राजमा मसाला करी की रेसिपी। अगेन बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे, आधे से एक कप राजमा, दो मीडियम टमाटर, एक मीडियम प्याज, चार से पांच हरी मिर्चें, तीन से चार लौंग, तीन से चार इलायची, एक इंच दालचीनी, एक तेजपत्ता, 11 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 4 से 5 चम्मच तेल, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा धनिया के पत्ते। राजमा अच्छे से धो ले और पानी में भिगो के रखे रात भर या फिर 7 से 8 घंटे तक। जिस पानी में राजमा भिगो के रखा था उसे फेंक दे और अच्छे से एक दो बार राजमा को धो ले। अब एक प्रेशर कुकर में ऐड कर दे राजमा, 1.5 ग्लास पानी, नमक स्वाद अनुसार, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 इलायची, 1 इंच दालचीनी और 1 तेज पत्ता। मिक्स कर दे और प्रेशर कुक करे 5 से 6 सीटी तक। 5 से 6 सीटी लगने के बाद स्टव ऑफ कर दे और प्रेशर को नेचुरली रिलीज होने दे। जब तक राजमा पकता है हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। रफली लहसुन अदरक और टमाटर काट ले। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दे और उसके साथ हरी मिर्च और थोड़ा धनिया के पत्ते डाल दे। हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। एक मीडियम प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लें। एक बार प्रेशर रिलीज हो जाए प्रेशर कुकर से तो लीड निकाल दे और एक राजमा निकाल के प्रेस करके चेक कर ले पका है या नहीं। अगर सॉफ्ट हो गया है तो पक चुका है और अगर नहीं हुआ तो फिर से प्रेशर कुक कर ले। अब 4 से 5 चम्मच तेल गरम कर ले एक कढ़ाई में। तेल गरम हो जाए तो डाल दे 1 चम्मच साबुत जीरा और चटकने दे। स्टर कर ले। अब कटे हुए प्याज डाल दे और अच्छे से मिक्स कर ले। आपको प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब डाल दे ग्राइंडेड पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर ले। कवर करके 2 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने दे। लिड निकाल के स्टर कर ले। फिर से कवर करके 2 मिनट के लिए पका ले। लिड निकाल के मिक्स कर ले। अब ऐड करें 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर ले। अब नमक स्वाद अनुसार डाल दे। ध्यान रखे राजमा उबालते वक्त भी नमक डाला था तो उस हिसाब से ऐड करे और मिक्स कर ले। थोड़ा पानी ऐड कर दे और कवर करके 2 मिनट के लिए धीमी आंच में पका ले। लिड निकाल के मिक्स कर ले। कवर करके और 2 मिनट के लिए पकने दे। लिड निकाल के स्टर कर ले। अब बॉयल राजमा डाल दे और मिक्स कर ले। कवर करके 2 मिनट के लिए पका ले। लिड निकाल के स्टर कर ले। ग्रेवी के लिए आपको जितना पानी चाहिए उस हिसाब से ऐड कर दे और मिक्स कर ले। नमक भी एडजस्ट कर ले अगर कम हो तो।
कवर करके 2 मिनट के लिए पकने दें। लीड निकाल के स्टर कर लें। राजमा मसाला करी बन गया है, अब एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लें। गार्निश कर दे थोड़े कटे हुए फ्रेश धनिया के पत्तों से। सिंपल और टेस्टी राजमा मसाला करी बनके तैयार है। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।